बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिस्मिल्लाह घरेलू चैनल के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज जो रेसिपी हम आपके सामने लेकर आए हैं वो है आलू भरे पराठे की रेसिपी। जी नाज़रीन, ये हमने पेड़े बना के रख लिए हैं। ये हमने चार पेड़े बनाए हैं जिसमें से के दो पराठे ही बनेंगे। इस तरीके से इन दो पेड़ों का एक पराठा बनेगा। तो हम बताते हैं आपको कि किस तरह से बनाते हैं। हमने भुना हुआ भुरता जो है तैयार कर लिया है और अब हम आपको बनाना सिखाते हैं। जी नाजरीन, ये हमने रोटी बेल ली थी पहले, इसके ऊपर हमने ये आलू का भुरता डाल दिया है। ये हम आपके सामने और इसमें डाल रहे हैं, देखिए इस तरीके से ये आलू का भुरता हमने डाल दिया है। और इसी तरीके की हमने एक दूसरी रोटी बेल के रखी है। हम देखें भुरता डालने के बाद ये दूसरी वाली रोटी जो हमने बेल के रखी हुई है हम इसके ऊपर इस तरीके से डालेंगे। ये देखें इस तरीके से इसको पूरा ढाँप देंगे। ये देखें अच्छी तरीके से इसको हम ढाँप देंगे। थोड़ा सा हम इसको और बेलेंगे ताकि ये आपस में जुड़ जाएं। ये देखिए हमने इसको बेल लिया, अब हम इसको तवे पर डालेंगे। जी नाज़रीन, देखिए हमने इसको तवे पे डाल दिया है, अब हम इसको सेकेंगे। ये आलू भरा पराठा बनने जा रहा है। देखिए जब एक साइड से हो जाएगी तो फिर हम इसको पलट देंगे। ये देखिए फिर हम इसमें घी या ऑयल जो भी आप लगाना चाहें मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। देखे नाज़रीन, इसको जब अच्छी तरीके से ये हो जाएगा सिक जाएगा तो फिर हम इसको उतारेंगे। ये पहले हमने दो रोटियां जो है वो बेल ली थी, एक रोटी के हमने उसके अंदर एक तह लगा ली थी आलू की, भुने हुए आलू की। उसके बाद हमने दूसरी रोटी उसके ऊपर डाली और फिर इसको थोड़ा सा और बेला ताकि दोनों आपस में यकजान हो जाएं। और फिर हमने इसको इस तरीके से देखे सेक लिया, ये आलू का पराठा बन गया। और इसको आप जो है ना हरी चटनी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आता है और बहुत जल्दी से ये देखे तैयार हो जाता है। देखिए टेस्टी। ये देखे नाज़रीन, पराठा पक चुका है। देखिए जी नाज़रीन, ये थी हमारी रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम बिस्मिल्लाह घरेलू चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका हामिद नासिर।